वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेल दावा अधिकरण भोपाल पीठ में हिंदी स्टेनों को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि के लिए संविदा आधार पर अस्थायी रूप से भरने हेतु तारीख, समय और स्थान पर वॉकिन इंटरव्यू आयोजित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, और ये स्थान दिया हुआ है रेल दावा अधिकरण भोपाल पीठ, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने भोपाल, और दिनांक है 18 अगस्त 2023, समय है 11 बजे। शेष जानकारी के लिए आप rct.indianrail.gov.in पर जाकर देख सकते हैं, अथवा मैं अपने टेलीग्राम चैनल आचार्यम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है, स्टेनो हिंदी के लिए 10+2 पर 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। यहाँ पे 80 शब्द प्रति मिनट की गति, अवधि 10 मिनट और लिप्यांतरण समय 65 मिनट दिया हुआ है। वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कार्मिक प्रशिक्षण विभाग का ज्ञापन संख्या 49014 दिया हुआ है, उसके अनुसार दिया जाएगा, स्पष्ट अंकित नहीं है। मैंने खोजने की कोशिश किया तो मुझे नहीं मिला, यदि आप ढूँढ पाएँ तो देख लीजिए। फ्रेंड्स, आपको एप्लीकेशन भेजना कैसे है, तो ये आपको अपना आवेदन प्रारूप इसमें नीचे दिया हुआ है, उसमें को आप भर के स्कैन करके साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, शैक्षणिक अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, सब कुछ लगाकर PDF बनाकर आपको इस ईमेल ID पर भेजना होगा। एडिशनल रजिस्ट्रार sevenrct.bpl@gmail.com। लास्ट डेट है 11/8/2023 शाम को 6 बजे तक। और आगे देख लीजिए, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बुलाया गया है, तो दोस्तों आपको शॉर्ट नोटिस पर ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा, तो आपको अपना ईमेल भी चेक करते रहना है। जो टाइम होगा ड्यूटी का, वो सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, आधे घंटे का भोजन अवकाश होगा। इसमें 11 महीने के लिए है शुरू में, और अगले 11 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है, इसमें ऐसा मेंशन है। ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये आप देख लीजिए, इसको भरना है और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के जो यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है यहाँ पे भेज देना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ। आप सबका दिन शुभ हो, धन्यवाद।